First of all, happy Karwachauth to all of you, to all the married women, ladies and the moms. So I hope आपका दिन अच्छा जा रहा हो, क्योंकि बड़ा difficult fast होता है ये, बहुत ही प्यास लगती है मुझको तो. और सबसे मेन ये लगता है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, गलती से मैं कुछ खाना लूँ, कुछ पीना लूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी रिस्की लगता है. और मैं सिर्फ एक ही फास्ट रखती हूँ, वो है करवाचौथ का, उसके अलावा मैं कोई फास्ट नहीं रखती हूँ. तो कल मैंने आपको दिखाई थी कि जो भी मैंने अपनी शॉपिंग की थी करवा चौथ की, एंड मैं क्या पहनने वाली हूँ आज शाम को. एंड राइट नाउ मैंने एक फ्रॉक सूट पहना है इस तरह से, एंड ये मैंने उसके साथ बंदेज की चुन्नी ली है. एंड ज्वेलरी में मैंने बहुत ही लाइट सा एक सेट लिया है, अपना गोल्ड का पेंडल सेट, एंड उसी की मैचिंग मैंने इयर रिंग्स पहने हैं. एंड दिस इज़ माई मंगलसूत्र. तो डे टाइम में मैंने बहुत ही लाइट ज्वेलरी पहनी है, एंड मैं शाम को भी लाइट ही पहनूंगी. एंड इस तरह से एक हाथ में है ब्रेसलेट, एंड ये है बैंगल्स मेरे, और मैंने ग्लास वाले बैंगल्स अभी नहीं पहने क्योंकि शौर्य को अच्छे नहीं लग रहे थे आवाज़ उनकी, और मैं उसको गोद में नहीं ले पा रही थी उनकी वजह से, तो इसलिए. तो ये तो मैंने अभी दिन में इतना हल्का से ड्रेस पहन ली है, एंड शाम को मैं पहनूंगी अपना लहंगा. एंड ये है मेरी मेहंदी, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है. मैं कल लगवा के आई थी, मैंने आपको कल वो शेयर किया था, तो इस तरह से मेरी मेहंदी का कलर भी डार्क हो चुका है. ये वैसे काफ़ी डार्क आया था, बट मुझे काफ़ी बार हैंड वॉश करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, बट आई एम ओके विद इट, क्योंकि आज का ओकेजन है, आज अगर ये डार्क दिखता है तो अच्छा लगता है, बाद में तो ये लाइट होता ही जाएगा. सो आप लोग भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपका ये दिन कैसा गया, एंड आप लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, एंड किसको कितनी कितनी भूख लग रही थी. एंड जो भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड जो नोटिफिकेशंस की बेल होती है उसको भी क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलिए, अब मेरा तैयार तो मैं हो चुकी हूँ, उसके बाद मुझे अब बनाना है खाना. अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, तो मैं 5 बजे अराउंड अपना डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी, सो दैट मैं अपनी टाइमली पूजा कर लूँ, एंड मैं फिर शाम के लिए भी तैयार हो सकूँ. सो जो भी चीज़ मैं डिनर में बनाऊँगी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं. अभी हमने अपना मंदिर तैयार कर लिया है. शौर्य वॉज वेरी क्यूरियस, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रखा है, वो लाइटनिंग वगैरह को टच कर रहा था, एंड बहुत ही ज़्यादा उसने कल हमको परेशान किया, बट जैसे भी हमारी फाइनली पूजा हो गई. अब फाइनली हम लोग पूजा स्टार्ट कर रहे हैं. मैं काफ़ी लेट हो गई आज पूजा करने में, क्योंकि शौर्य बहुत परेशान कर रहा था. तो अब ये पूजा मैं और मेरे हस्बैंड ही करेंगे, क्योंकि हम ही दोनों लोग साथ रहते हैं, एंड ये स्टोरी जो होती है थोड़ी मेरे हस्बैंड पढ़ेंगे, बट वो प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तो इन दी एंड उसे मुझे ही रीड करना पड़ा. मोस्टली यही होता है कि उसको मैं ही रीड करती हूँ, मैं खुद बोलती हूँ और खुद ही सुनती हूँ, एंड सारी पूजा भी मैं खुद अकेले ही करती हूँ. आई एम नॉट वेरी परफेक्ट इन दिस पूजा, जो भी मेरी मम्मी और मेरी सास मुझे बता देती हैं उसके अकॉर्डिंग मैं हर बार ये पूजा कर लेती हूँ. मैंने अपनी सास की सुहाग की थाली सजा के रख दी है, एंड इस पूजा के बाद, डिनर के बाद मैं उन्हें भी ये देने जाऊँगी. फाइनली चांद निकल आया है, तो अब फास्ट सोने का टाइम है. अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने इस छल्ली से पहले चांद को देखा है, फिर अपने हस्बैंड को देखा है, एंड मेरा बेटा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि हम छत पे थे और काफ़ी अंधेरा हो रखा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, एंड वो काफ़ी रो रहा था, तो वो अपने पापा की गोद में ही रहा है पूरे टाइम. सो अब मेरी पूजा भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मैं अपना फास्ट खोलूँगी.
ये है मेरी थाली, मैंने बनाए फ्राइड आलू गोभी, मटर पनीर, रायता, पूरी एंड सैलेड। अब फाइनली हम लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वे मैंने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट किया है। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा एंड आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो एंड व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।